अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ रोज़मर्रा की तरह आज भी एक नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है कब्र के मुतालिक इस्लामी बुनियादी मालूमात। चलिए हम कब्र के मुतालिक कुछ भी सवाल पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ जी, पूछिए। हाँ, जवाब दे सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कब्र खोद रहे हैं। कब्र खोद रहे हैं, माशाल्लाह। चलिए हम आपसे खबर के मुतालिक सवाल करते हैं। तो खबर कितने किस्म की बनाई जाती है मालूम है आपको? दो किस्म की। वो कौन सी कौन सी? दो किस्म की बनाई जाती है। कौन सी कौन सी? एक भौगोलिक और दूसरा लेवल। अच्छा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तदफीन हुई थी, आपका इंतकाल होने के बाद आपको दफनाया गया था, तो किस किस्म की खबर बनाई थी, बता सकते हैं कुछ आप? बता सकते हैं, वो भौगोलिक था। आप बता सकते हैं? नहीं जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो मदीने में दो किस्म की खबर खोदने वाले थे और दो सहाबा थे। वो तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने उनको बुलाने के लिए भेजा, दो आदमी गए वहाँ पर। एक साहबी का मुलाकात हुई, वो बगली खोदने वाले थे, बगली खबर खोदने वाले थे। तो वो साहबी आ गए और उसी तरीके से आपको दफना गया। तो बगली खबर जो होती है ना, चारों सिमत खोदा जाता है और एक सिमत में जो है ना साइड में खोद कर एक छोटा सा संदूक के साथ बनाते हैं। तो नाश को जो है ना अंत खबर में उतारने के बाद साइड में उसको नाश को जो छोटा सा जो संदूक टाइप रहा उसमें दफन कर देते हैं, उसको उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद पूरी खबर बंद कर देते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा है यमन वगैरह के अंदर और मक्का वगैरह में दफन करते हैं, वो तरीक़ा संदूक की तरह बनाते हैं बिल्कुल, और दफन कर देते हैं ऊपर से पत्थर के कड़ियाँ वगैरह लगा के या कोई लकड़ी वगैरह लगा के लेवल कर देते हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों का जवाब सही है। आप लोगों का एक और एक सवाल है, ये नमाज जनाजा जब पढ़ते हैं तो नमाज जनाजा की दुआ मालूम है आपको, याद है, पढ़ सकते हैं आप? भूल गया, क्या नाम इसको याद था, थोड़ा दिक्कत है, भूल गया था। तो क्या आप बता सकते हैं नमाज जनाजा? اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وشاكرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ما شاء الله ما شاء الله देखिए हमारे भाई काम कर रहे हैं, मजदूरी भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन के उसूल आपको मालूम है, दीन के जो है मसाइल, तो आपको भी इंशाल्लाह याद कर लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह।